कोरापुट सुंकी घाटी अवरोध हटाऊ एंडिया बात्या प्रभाव में माटी अतड़ा खसी अवरोध होता 24 नंबर जातीय राजपथ अवरोध जो अटकी रही शह शह जवान और किसी आंबुलांस मालकानगिरी जिले में रोची बात्यार केन्द्रबिंदु एसआरसी कहे आकलन अनुजाई पड़ना गोलापर प्रभाव गजपति और कोरापुटर दुई तीन स्थान में खसी माटी अतड़ा पांच दिन मध्य क्षयक्षति आकलन कर रिपोर्ट देते जिलापा विनेपंग डेलांग ब्लक्र समस्त मतदान केन्द्र में लगला सीसीटीवी बुथ उप स्वतंत्र नजर रख प्रशासन एपटे आज प्रचार चलु शेष मुहूर्त में भोटर को आकृष्ट करने प्रार्थी जोरदार प्रयास आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान शुभारंभ कले प्रधानमंत्री केते थर जाइछन्ति हॉस्पिटल कौन हो चिकित्सा गोटे कार्ड में रहिबो तथ्य गोपनीयता को दिजिव गुरुत्व राज्यर विभिन्न भाग में बंद आर्थिक प्रभाव भुवनेश्वर में मोबस ड्राइवरों ठू जोर जबरदस्त चाबी छड़ाइले प्रतिवादकारी मास्टर कैंटीन छता धरी आंदोलन से रास्त दरी पकाइले धारणा चाषी भारत बंद पर दिल्ली सीमार सुरक्षा कड़ाकड़ी दिल्ली पुलिस और अर्धसामरिक बल जांच अटकला हजार हजार गाड़ी दिल्ली गुड़गांव सीमार प्रबल ट्राफिक जाम कनक न्यूज को प्रतिक्रिया दे आईएएस टॉपर शुभम कुमार कहले कॉलेज बेलू आईएएस हेपाई थिला इच्छा सिविल सर्विस परीक्षा कृतकार्य होगा दरकार स्वतंत्र स्ट्राटेजी बात गुलाब प्रभाव में गजपति जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा हो दुई दिन हेब लगा वर्षा होबे जिले में भूस्खलन होड़िया अंचल गुमा ब्लक अजयगढ़ नाशनगढ़ पर्यंत जोगाजोग विच्छिन्न होती घटनास्थल में ओड्राफ टीम पहुंची उद्धार प्रक्रिया आरंभ हो गत स्थान में माटी अतड़ा खसी बात्यार प्रभाव गजपति जिले में अधिक रही आकलन कर तो गजपति जिला पाई येलो वार्निंग जारी करुछि पानीपाग विभाग आज जिले में प्रबल वर्षा हो पारे तेणु स्थानांतर होता लोकों काल पर्यंत आश्रयस्थल रखा बोली सूचना देखते गजपति जिलापा बनार स्थित सृष्टि तार मुकबाला ओड्राफ और एनडीआरए प्रस्तुत हो रही गेट खोल नहीं आंध्र सहित जोजोग रही जिलापा प्रथम आउ के जगार जो जो परिस्थिति रही गच्छा लोक जो आश्रयस्थल को नियाजाई से बर्तमान रखा ना निज घर को फेर कि प्रशासन तरफ तत्परता देखा कि आमर गजपति येलो अलर्ट अच्छी तर्थ कि आम वॉच करुचु लोक आज होल डे रखार आम प्रोविजन आम रखीचु आम पाखे का भी प्रोविजन अच्छी आगे आम यहाँ डिस्कस कर एसआरसी ऑफिस और इमरजेंसी हमें डिसीजन नहीं लिया सर वर्तमान सर वर्षा बढ़ी चलती वंशधारा विपद संकेत निकटवर्ती 54.60 होची तार कैपेसिटी किंतु डेंजर लेवल किंतु 54.41 क्रॉस कर सारे वर्षा भी चली जहाँफल कि 4-5 ब्लॉक प्रभावित हो आशंका से भितर पारलाखेमुंडी रही आपण मानक सजाग के कौन देखुंत पानी स्रोत जो बढ़ी बढ़ी चले गोसाणी और काशीनगर में जोटा डैमेज होवार चान्स था तादरे मोर जा सकाळ न्यूज थेला पानी लेवल टा 53 पहुँची आसलानी रीजन बिंग कि आम बर्षा तो चली बट आम आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन सहित कथु गोटा बेराज 24-22 गेट्स ओपेन अच्छी तादरे पानी निष्कर्षण रेटा पानी पशिवा रेट रु बेसी अच्छी तो आम एकना किसी डेंजर आम आमको लगू ना कि डेंजर आसव काशीनगर और गोसाणी ब्लक सत्वे भी आम से सब कलेक्टर आमर पीडी वाटरशेड अन्यान्य सीनियर अफिसर सहित ओड्राफ टीम्स एंड एनडीआरएफ दु जन डिप्लॉय होती सब बॉर्डर एरिया को आम से निगरानी रखु जोटा पानी बॉर्डर में आसू तो आंध्र उपर सीधा सड़क आपको जोजोग रही है आंध्र से गेट के बंद करते खोलुची परिस्थिति आगुरी मतलब लगी रही है आपको आशा लगुच्छ 22 खोला रखे जब गेट बंद कर दिए बनिया परिस्थिति एपटे उठे ताको आपके आशा कर पार्टी आंध्र प्रशासन मु आंध्र प्रशासन को धन्यवाद देवी आमर सहित कंटिन्यूस टच अच्छी मोर कलेक्टर सहित आम एसी इंजीनियर्स सहित आम चीफ इंजीनियर भी डिप्लॉय होती वॉच कर ब्रह्मपुर एंड से माने पूरा आम सहित कोऑपरेशन अच्छा गेट ओपनिंग आम को कहीकि गेट क्लोजर टाइम जाए ही नहीं सिस्टम अच्छे 24-22 गेट अर्थ एत गेट आम गोटा बेराज रु के पूर्व खोला ही ना से सब प्रश्न सर बर्तमान समय जो गोलाप को लेकिन जो चर्चा कर गजपति जिला जीरो कैजुअल्टी क्षयति जहाँ वर्षा रही जो चाषी मान क्षयति यहाँ आकलन केमी रही आमर प्रिपेरेसन फुल अच्छी लोक मानक गोटे गोटे जीवन को बचेवा आमर फर्स्ट प्रायोरीटी रोचे
प्रिपरेशन फेज ड्यूरिंग फेज एंड पोस्ट फेज तीन टा पे आम बहुत डिटेल्ड प्लानिंग जीपी वाइज प्लानिंग लोको लोको वाइज प्लानिंग करके रखीचु आमर कमिटमेंट अच्छी जीरो कैजुअल्टी रो हम सेटा करिवो। जिलापाल गजपति से समस्त सूचना दौले कि परिस्थिति गजपति में रही कौन कौन पदक्षेप सब नि तेब आगामी दिन में आशा करवा जो पानीर सुअटा बर्तमान बढ़ी जहाँ विपद संकेत निकट को आसूँ आंध्र प्रशासन सहित जोजोग करने कहते तेब आंध्र केतदूर सहयोग कर बना दाऊ रक्षा पाइबाप बर्तमान जदि वर्षा जारी रही है किभली परिस्थित आगक आम नजर। कोरापुट जिला पटांगी ब्लक सुंकी घाटी रे आरंभ होछि रास्ता अवरोध बात्या गुलाब प्रभाव रे रालेगड़ा एवं सुंकी गाँव में माटी अतड़ा खसीला 26 नंबर जातीय राजपथ अवरोध होता बेले सेठारे एनडीआरएफ टीम पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करछि। माटी अतड़ा खसीबा फलरे रास्तार उभय पार्श्वरे गाड़ी मटर अटकी रहिछि यातायात रे समस्या सृष्टि होइछि। बात्या प्रभाव रे होइथिबा वर्षा जको एपरि स्थिति सृष्टि होइछि तेरे रास्ता अवरोध जो शहश जवान सहित किसी आंबुलांस फसी रही सूचना रही आंध्र और छत्तीसगढ़ को जोजोग विच्छिन्न होती कोरापुट जिलापाल घटनास्थल स्थितर अनुध्यान कर फेरी। हमारी 25 सदस्यीय टीम है और मॉर्निंग हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 4 से 5 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और हमारी टीम सुबह 7 बजे से कार में लगी। क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि रात से ही हैवी रेन हो रही है साथ साथ विंड भी हवा भी तेज़ चल रही है ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी सपोर्ट है मैन पावर मशीनरी पावर और कट इक्विपमेंट तीनों को मिलाकर हम लोग कार्य को जारी रख रहे हैं। बहुत गुड़ाए घर उड़ी जाइए एवं लैंडस्लाइड बहुत जगार है जहाँकि वर्तमान NH-26 लैंडस्लाइड होकरी पूरा बंद अच्छी ता सहित आमर जो भीतर अंचल जो आम उपात अंचल अच्छी से गुड़ाक बहुत जगार लैंडस्लाइड होबार सूचना आम पाइचु। अभी आज वापस जाने के लिए हम लोगों की शाम की ट्रेन है लेकिन अभी यहाँ आने के बाद पता लगा कि आगे पहाड़ी गिरी हुई है और जाने का रास्ता बंद है। काम चालू है लेकिन हम लोग कब तक जाएंगे ये थोड़ी चिंता का विषय है। डर तो लगता है ऐसा तो पहाड़ी तो गिरता रहता है कहीं तो डर तो लगता है थोड़ा कभी किसी के ऊपर ना गिर पड़े लेकिन थोड़ा सा काम भी चल रहा है वेट करते हैं। ओवरऑल हमारो बातिया गुलाब रो जो इन्फ्लुएंस था कोरापुट जिला ऊपर जो पड़ी थी सेटा सीरियस इम्पैक्ट है ही नहीं। लकीली एवं पर्यटन आम पाखे किसी लॉस ऑफ लाइफ किंबा सीरियस इंजरी रो किसी रिपोर्ट आसी नहीं। आमर फील्ड रे फील्ड स्टाफ मैंने बुलुंट आउ प्रति दूरस्थ गाँ अंचल को बुलिक से जो डैमेज रिपोर्ट अच्छी से खूब शीघ्र सबमिट करेंगे। एज ऑफ नाउ आम मेन प्रॉब्लम अच्छी जो NH-26 जो अच्छी जो कोरापुट रोटे लाइफलाइन भड़िया अच्छी सेटा रालेगड़ा और सुनकी दुईटा जगार लैंडस्लाइड होकर कट ऑफ हो जाए। आमर NDRF इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तहसील और ब्लॉक रो टीम से उपस्थित अच्छा आउ आप देखुं एवं काम चली रिमूवल रो आम आशा अच्छी सफिशेंट नंबर ऑफ JCB अवेलेबल अच्छी आम नेक्स्ट दुई अढ़ाई तीन घंटा भितर ये NH-26 को क्लीयर करी ट्राफिक टाक रेस्टोर करूँ बट लैंडस्लाइड रेंजर एवं भी अच्छी तो जो वल्नरेबल वीक पॉइंट्स अच्छी से आम टे ट्राफिक रेस्ट्रिक्शन सब लगाऊ मोर निवेदन अच्छी कि जो मान मैंने अर्जेन्सी ना से मैंने जात्रा करने बाहर को आसतु ना ट्रावेल करने आसतु ना एंड आम सिचुएशन आम दृष्टि अच्छी एज अफ नाउ सिचुएशन अंडर कंट्रोल अच्छी। डैमेज हाउस डैमेज रिपोर्ट जो आम आरएम को पाइला कलेक्टर को देवु कलेक्टर विचार करेंगे क्या क्षति देवे कौन पार्टली अच्छी डैमेज अच्छी जो गवर्नमेंट रो नियम से अनुसार से माने पाइबे। आज शेष होछि पीपल उप निर्वाचन प्रचार बोटन को पाखरे पहुंचिबा पई आज गोटे दिन समय थिपारो प्रार्थी एवं समर्थक प्राणमूर्छा उद्यम करछंती सबु राजनीतिक दल नेता एवं कर्मी दलय प्रार्थी सपक्षे बोटन को आकृष्ट करबा पई चेष्टा करछंती। बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस पक्षरु स्टार प्रचारक विभिन्न पंचायत रे सभा करी प्रचार करछंती। बीजेडी प्रार्थी रुद्र प्रताप महारथी बीजेपी प्रार्थी आशीष पटनायक कांग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन हरिचंदन को पई आज शेष दिन प्रचार आ रुद्र महारथी जे कि बीजेडी अच्छा प्रार्थी से वर्तमान प्रचार कर समय अभाव अच्छी आम बेसी समय नवा ना रुद्र आज शेष दिन प्रचार निश्चित रूप आज NSE रोलटी वार्ड डोर टू डोर कैंपेनिंग चलू सब आड़े जीवार लक्ष्य तो था कि जेहेतु बहुत कम समय मिलला पाखापाखि 8 दिन कैंपेन परमिशन देते निश्चित रूपे किंतु बहुत समर्थन मिलुची एवं आशा एवं विश्वास अच्छी विजु जनता दल बाई इलेक्शन में बहुत भल मार्जिन आगुआ रही सब लोग भेटी सारे
ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ନୂଆ ହେଲେ ବି ତୃତୀୟ ଥର ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ତୃତୀୟ ଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ସବୁଦାବେଳେ ଯେବେଠୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେଇକି ରହିବ। କହୁଥିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଥି ହେଇକି ରହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିବଙ୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିନଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ପିପିଲି, ଆଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ହେବ, 30 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପିପିଲିର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରୁଛି। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି 2020 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ଶୁଭମ କୁମାର। ତୃତୀୟ ଆଟେମ୍ପରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ଟପର ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତେବେ କଲେଜ ବେଳୁ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ 2019 ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦିଏ ଥେ, ଆପକେ ରାଙ୍କ 290 ଆଇ ଥି, 290 ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏକ ସକ୍ସେସ କେ ଲିଏ ଆପନେ କ୍ୟା କ୍ୟା ହାର୍ଡୱର୍କ କିଏ ଥେ? ଜବ ମେରି 290 ରାଙ୍କ ଆଇ ତୋ ଉସ ସମୟ ଭି ମେରା ଏକ ଅଚ୍ଛା ବେସ୍ ବନ ଗୟା ଥା ଆଣ୍ଡ ମୁଝେ ମେନ୍ସ ମେ ଅଚ୍ଛେ ମାର୍କ୍ସ ଥେ। ସୋ ୱହାଁ ସେ ୟହାଁ ତକ କି ସଫର ମେ ମୁଝେ ଥୋଡ଼ା ଔର ମେହନତ କରନା ପଡ଼ା। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅପ୍ସନାଲ ମେ ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ ଦେ ପାୟା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମେ ଅପ୍ସନାଲ ମେ ଉତନା ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ ନହିଁ ଦେ ପାୟା ଥା। ଔର ଉସ ପହଲେ ସେ ଜ୍ୟାଦା ମେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କିୟା ଔର ମେରା ଜୋ ଆନ୍ସର କି କ୍ୱାଲିଟି ହୈ ଓ ପହଲେ ସେ ଥୋଡ଼ା ଔର ବେଟର ଏନରିଚ ହୁଇ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିଜ ଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଜୋ ହେଁ ଓ ଅଚ୍ଛେ ଓ ପ୍ଲେ କିୟା ଏକ ମେଜର ରୋଲ। ताकि इवन दो मार्क्स आर नॉट आउट, आई डोंट नो कि हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट इन मेंस एंड इंटरव्यू, लेकिन लास्ट ईयर से बेटर हुआ होगा। क्या ये सच है आपने 6 साल के उम्र में घर छोड़ा था और कॉलेज में तब आईएएस बनने का सपना देखा था? हाँ हाँ, ये 6 साल की उम्र में मैं हॉस्टल गया था तो उस समय मुझे घर छोड़ना पड़ा था। सर आपके इंटरव्यू में मैंने देखा था पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए, 10-12 घंटा पढ़ना या फिर कुछ और? नहीं, पढ़ाई का तरीका मैं मानता हूँ कि आप इफेक्टिव वे में पढ़ाई करिए। तो मेरा इफेक्टिव जो आवर्स होते थे वो 7-8 घंटे ही हो पाते थे ऑन एन एवरेज। बट एग्जाम से पहले मैं थोड़ा और ज्यादा पढ़ता था, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस मेरे ऑन एन एवरेज 8-10 घंटे होते हैं। पढ़ाई का तरीका में ये होना चाहिए कि जैसे यूपीएससी के लिए सिविल सर्विसेज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो बुक्स हैं वो लिमिट वो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपके पास एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी होना चाहिए और सेल्फ इवैल्यूएशन भी उतना ही ज़रूरी है। जब आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं कि आपने कितने सिलेबस किया, कितना पढ़ाई किया, कितना आपने उसको आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। सर आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? आईएएस बनने का मोटिवेशन बचपन से था और फिर कॉलेज में जाके ये और कंफर्म हुआ कि मुझे कॉलेज में जाके ये पता लगा कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और तब मुझे पता चला कि ये आईएएस में आईएएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं लोगों के बीच में रह के काम कर सकता हूँ और उनके लिए और उनके और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन दोनों चीज मैं कर सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने ये फील्ड चुना। सर इस सक्सेस के लिए क्रेडिट किसको देंगे? मैं अपने परिवार वालों को देना चाहूँगा, वो हमेशा से मुझे हमेशा से सपोर्ट किया और काफी मोटिवेट रखा। ବଢୁଛି ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଂଶଧାରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 22ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଆଗକୁ
आंध्र ब्यारेजर गेट बंद कर दिए और उपर मुंड में वर्षा बढ़ी जाए तेज गजपति जिले में बना स्थित सृष्टि हो। फुलुची वंशधारा नदी उपरे थिबा आंध्र ब्यारेज रे खोली 22 गेट एवं गेट बंद कले और वर्षा लागि रहिले गजपति रे बनार संभावना देखा जिवो। उपर मुंड रे वर्षा जको वंशधारा वर्तमान समय फुली पारे लागि छी। तबे नदी उपरे थिबा आंध्र ब्यारेज खोली 22 गेट गेट बंद कले एवं वर्षा लागि रहिले गजपति रे बनार संभावना रहिछे। बढ़ुची वंशधारा नदी जलस्तर उपर मुंड में वर्षा जो वंशधारा नदी जलस्तर बढ़िपे लगी। नदी गोटे पार्श्वर आंध्र गांव रही बेले अनेपटे रोच गजपति जिलार 12 पंचायत नदी उपर ब्यारेज कर आंध्र। वर्तमान गजपति जिला प्रशासन अनुरोध क्रमे 22 गेट खोल जाता बेले गेट दे पा निष्कासन हो तेरे जदि आगक आंध्र ब्यारेज गेट बंद कर दिए और उपर मुंड में वर्षा बढ़ी जाए तेज गजपति जिले में बना स्थित सृष्टि हो। वंशधारा नदी जलस्तर वृद्धि पावे लगी। उपर मुंड में वर्षा जो वंशधारा नदी जलस्तर बढ़ुची नदी गोटे पार्श्वर आंध्र गांव रही बेले अनेपटे रोच गजपति जिलार 12 पंचायत नदी उपर ब्यारेज कर आंध्र। वर्तमान गजपति जिला प्रशासन अनुरोध क्रमे 22 गेट खोल जाता बेले गेट दे पा निष्कासन हो। सीतानाथ हम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती सीतानाथ वर्तमान समय वंशधारा फुलुची एवं जदि अधिक मात्रा रे जल आसे ताहले केउटी ना केउटी बनार स्थिति उत्पन्न हो पारे। सीतानाथ हाँ समय कह गले आम आसिक पहुंचु काशीनगर ग्रामर वंशधारा नदी रे तटे आपण देखिपे ये पा जो गत काली ठारु जो वर्षा होती बात्या जो चली जाइछि ता परवर्ती समय रे आपण देखि पारतिय मु कैमरामैन को कहबी जे जलस्रोत केमिति अछि देखैबे एवं ए जलस्रोत जते स्पीड अछि एक घंटा पूर्वरु किछि आठ अधिक स्पीड थिला किंतु एबे न न न दिग न रे आइ पहुँचिछि। ता पूर्वरु मध्य एक जो लाइन चिन्ह छै सेटा भी बंद होइछि। परवर्ती समय देखिबा जे एबे त एबे सरकार तरफ रु एक बोट भी तयारी करथिले सेपट आंध्र एपट ओडिसा एब देखिपे ए पानी ए जो पानी ये घंटा घंटा पूर्वर कम थिला एबे गत जिला प्रशासन अनुरोध क्रमे जिला प्रशासन अनुरोध क्रमे आज सका 22 गेट खोल जाइए गोटा ब्रिज्र जदि प्रशासन जदि न कही से माने बंद कर परवर्त समय जना पड़ता कि आंध्र जो दादागिरी कर चली आसूसी या जदि से पुणी थे जदि गेट बंद कर पा बाहर को आसीज एवं तले अंचल काशीनगर जिते ग्राम रोच गाँव गुड़िक रोचे पंचायत गुड़िक रोच से गुड़िक संपूर्ण भाव में जलमग्न हो सेठी बसवास करुवा लोकों तलिया अंचल स्थानातर करा प्रशासन सब बड़ चैलेंज सामना को आसो। बहुत बहुत धन्यवाद आपम आलोचना आम सहित आलोचना करते हैं प्रतिनिधि सीतानाथ।